दोस्तों, जैसे कि हमें बताया गया है कि शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों के हाथ काट दिए थे, क्या आपको पता है? वो झूठ है। क्यों नहीं पता ना? चलो आज मैं आपको ताजमहल की कुछ मिस्टीरियस चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें आज तक आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और ताजमहल के कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बिल्कुल भी झूठ है। क्यों जानना चाहते हो? चलो बताती हूँ। फैक्ट नंबर 5। वाव यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। लेकिन ताजमहल नहीं बाबा, उसके सामने लगाए गए ये फुब्बारे, क्या आपको पता है ये छोटे फाउंटेन्स बिना किसी मोटर्स या फिर मशीन के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे फाउंटेन्स के नीचे एक एक पानी की टंकी बिठाई गई है, और जब वो टंकी भर जाती है और प्रेशर रिलीज करती है, तभी इन सारे फव्वारों में से एक साथ पानी बाहर आता है। ऐसे ही सिमिलर कुछ हमारे पुणे के शनिवार वाड़ा में भी है, और इससे ये पता चलता है कि उस वक्त सिंपल टेक्नोलॉजी भी कितनी एडवांस थी। दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर है, ये तो आप जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ताजमहल एक ऐसे लकड़ी से सपोर्टेड है जिसे मजबूत बना रहने के लिए एक नमी की जरूरत होती है। यानी कुछ सालों बाद भी अगर ये नदी सूख जाएगी तो पता नहीं इस ताजमहल का क्या होगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों ये देखो, ये है कुतुब मीनार और ये है ताजमहल। इनमें से आपको सबसे ऊंची इमारत कौन सी लग रही है? कुतुब मीनार, राइट? सॉरी दोस्तों, यू आर रॉन्ग। अगर हम इन दोनों को नाप ले तो कुतुब मीनार की हाइट है 72 मीटर और वही ताजमहल की हाइट है 72.5 मीटर। यानी ताजमहल कुतुब मीनार से थोड़ा सा बड़ा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों जैसे कि आपने सुना है कि ताजमहल के कारीगरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन असल में ये झूठ है। उस समय उस्ताद अहमद इस फाउंडेशन को बनाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, और ताजमहल के बाद उन्होंने रेड फोर्ट भी बनवाया था, यानी उनके हाथ तक थे। इन स्कूल वालों ने ना हमें सच में पागल बनाया है भाई। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों इस खूबसूरत से ताजमहल के बाद शाहजहां दूसरा ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो कि ओरिजिनल ताजमहल का मिरर इमेज जैसा दिखाई देगा, और वो ठीक ताजमहल के पीछे ही बनवाया जाएगा, और इसमें वो अपनी कब्र रखना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्हीं के बेटे ने उन्हें राजगद्दी से निकाला था, जिस वजह से उनका ब्लैक ताजमहल बनाने का सपना अधूरा ही रह गया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? ठीक है, चलो बताती हूँ। दोस्तों ताजमहल किसी अजूबे से कम नहीं है, और इसकी एक सरप्राइजिंग बात क्या है पता है? कि ये सुंदर सा दिखने वाला ताजमहल का रंग बदलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन में कंडीशन के हिसाब से कलर चेंज करता रहता है। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में आपको ताजमहल पिंकिश दिखाई देगा, और वहीं शाम के टाइम वो मिल्की वाइट में दिखाई देता है, और वहीं मूनलाइट में लाइट ब्लू में चेंज हो जाता है। हाउ ब्यूटीफुल ना। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों वेट, फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो तुरंत जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया भर के इंटरेस्टिंग न्यूज एंड फैक्ट्स लाते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों बहुत से लोगों का ये मानना था कि ताजमहल जहाँ बना है वहाँ एक पहले शिव मंदिर हुआ करता था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ताजमहल के अंदर बहुत सारे सीक्रेट रूम्स बने हैं, जो कि दोस्तों शाहजहां के समय से ही लॉक्ड है और आज भी गवर्नमेंट उन्हें ओपन नहीं कर रही है, और वहाँ शायद भगवान शिव की मूर्तियाँ रखी गई है। इंडिया में तो हर एक मॉन्यूमेंट के पीछे कई मिस्ट्री छुपी हुई होती है, कुछ हिडन ट्रेजर, सीक्रेट रूम्स या कुछ अनसुनी कहानियाँ। वैसे दोस्तों, क्या आप ऐसे ही इंडिया के और मॉन्यूमेंट्स के पीछे की मिस्ट्री जानना चाहते हो तो बता दो ना मुझे कमेंट्स में। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।